चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। और आप आएंगे आगे साउथ वेस्ट गेट के नियर तो आपको नजर आएगा मेट्रो स्टेशन, क्योंकि भिंगसिंग मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आप वांगजियांग कैंपस और वुआसी कैंपस जा सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं भिंगसिंग मार्केट की ओर। गाइज, भिंगसिंग जाने के तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है और यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हैं, यहाँ का ट्रैफिक। और ट्रैफिक के बाद हम चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल गाड़ी रुका हुआ है। और यहाँ हम लोग चिल करने आते हैं। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, जिसमें स्टेशन ए है जो हम लोग के कॉलेज के साउथ वेस्ट कॉलेज के नज़दीक है, सबसे नियर है मार्केट की ओर। और देखते हैं कि मार्केट में क्या हम लोग लेते हैं और कैसे वहाँ यहाँ का प्राइस है सामान का, रेट बताते हैं आपको क्या क्या है नहीं है। तो गाइज, हम रोड क्रॉस करने के बाद यहाँ मार्केट में आ गए हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉफी शॉप है, यहाँ पे साइकिल स्टोर भी है। आपको यहाँ पे साइकिल मिल जाएगा, पे करना होगा यहाँ पे और साइकिल ले सकते हैं आप। और आगे चलते हैं, जाने के रास्ते में आपको दिखा देते हैं कि आगे मार्केट कैसे है, चाइनीज लोग कैसे होते हैं। और यहाँ पे होटल है, खाना खा सकते हैं, मगर ये हलाल फूड नहीं है। हलाल फूड आगे है, आपको रास्ता में आगे दिखाते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेड है जो कि हलाल है, खा सकते हैं आप। और आगे चलने के बाद हम आ गए हैं हलाल कैंटीन के पास, इसी में हम लोग खाना खाने आते हैं। एक ही हलाल कैंटीन हमारे कॉलेज के नियर है, कॉलेज के बाद तो बाहर, कॉलेज के अंदर भी एक है, आप देख सकते हैं। और हम चल रहे हैं शॉपिंग करने, और शॉपिंग में क्या लेते हैं आपको दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। आ गए हैं सुपर शॉप के नज़दीक और अंदर जाते हैं, जहाँ से हम मार्केटिंग करते हैं, सामान सब लेते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन है, यही से हम लोग सामान लेते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर, एंट्री करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सामान यहाँ अवेलेबल है। और ये देख सकते हैं आप लोग सामान क्या क्या यहाँ है, आप लोग को समझ नहीं आएगा लेकिन फिर भी देख सकते हैं। और चलते हैं आप आगे और देखते हैं। तो गाइज, यहाँ सामान लेने का ये फंटा है। पहले यहाँ पे हम प्लास्टिक लेते हैं, इसको यहाँ हार दी, उसके बाद फिर हम आटा लेंगे, देखिए आटा ले रहे हैं आप। देखिए आटा नहीं रहता है, नॉर्मली ये मैदा की तरह रहता है, जो बेलने में काफ़ी मुश्किल आता है, लेकिन हम लोग इसी से काम चला रहे हैं। इसको यहाँ पे रख दिए और देखते हैं कितना इसका ये आता है आरबी में। इसका रेट आया है 13.40 आरएमबी। इसको आप अपने कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना का पड़ा। चलिए गाइस, और अंडा लेते हैं, देखते हैं अंडा यहाँ कैसे मिलता है। अंडा आप देख सकते हैं यहाँ अंडा का क्वालिटी, और यहाँ अंडा है, इसको हम ले रहे हैं। अलग अलग टाइप का यह अंडा है। गाइस, हम अंडा ले चुके हैं। अब चलिए गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। आप देख रहे हैं बहुत सारा वैरायटी है, एक पर एक सामान मिलता है यहाँ।
लेकिन सारा चीज हमारे काम का नहीं है, लेकिन देख रहे हैं आप बहुत अच्छा सामान सब है। यहाँ पर टोमेटो रखा हुआ है, और आगे आते हैं यहाँ पर एक अलग अलग किस्म की तेले हैं, और इधर आइए इधर का तेल देखते हैं, इधर ऑयल है और भी पीने की चीज़ें हैं, और फिर चलते हैं पीछे पीछे देख रहे हैं क्या सामान मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे घी वगैरह है, और यहाँ पे साफ करने वाला सामान सब है, यहाँ पे चप्पल है स्लीपर, और आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ से हम निकलते हैं, और ये जो हम सामान लिए इसका बिल कितना आता है उसके बाद हम जाएंगे अपने कैंपस। चलिए बिल कराते हैं और देखते हैं। चलिए गाइस चलते हुए हमें दिख गया है धूप का यहाँ पे शॉप, तो इफ्तार के लिए हम कुछ लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं। नहीं आओ क्योंकि हम लेंगे यहाँ पे, पहले बनाना लेंगे, बनाना लेंगे, उसके बाद हम सेब ले लेते हैं, और हम मुझे चाहिए ये फ्रूटी चाहिए, इसको भी लेते हैं। चलिए देखते हैं साथ में। यहाँ पे सेब तीन तरह का मिलता है, एक पीला एक लाल और एक ग्रीन टाइप का मिलता है, तीन तरह का मिलता है, और ये बनाना है और एक नाशपाती। तो गाइस यहाँ पे मेरा शॉपिंग हो चुका है फ्रूट्स का, जो कि हुआ है 13 RMB, जो कि इंडिया का 160 रुपीज़ अप्रॉक्स होता है। और चलते आगे, मुझे रात के खाने डिनर के लिए कुछ लेना है, और शहरी के लिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ वहाँ पे हम ले देते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस हम यहाँ पे बोनलेस चिकन लेने आ गए हैं, और देखते हैं और लेते हैं बोनलेस चिकन।你好。130。哎，好，麻烦。133。哎，133。麻烦哦。这边我们 1.5 boneless chicken 那个有点贵哦，7块钱一两哦。मेरा चिकन हुआ है 24 RMB का, और अब चलते हैं मुझे लेना है, चलते हैं मुझे लेना है प्याज वगैरह, तो चलते हैं और लेते हैं, और आपको कभी दिखाते हैं आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हम प्याज ले रहे हैं। तो गाइस अभी हमने ये चीज़ लिया है जिसमें प्याज टमाटर है और मिर्ची है, और वज़न कराते हैं और देखते हैं कितने का होता है। जो RMB हुआ है 10.90, जिसमें हम सब्जी लिए हैं 3, टमाटर प्याज और मिर्ची। तो गाइस मेरा शॉपिंग डन हो चुका है, देख सकते हैं आप मेरा सामान, इतना सामान लिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।